नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सांकला अर्जुन क्लासेस ऑनलाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं मौजूद हूं ग्राउंड में, तो यहां आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं, कोच साहब से भी मिलाने वाला हूं। जो विद्यार्थी प्रैक्टिकल फिजिकल कर रहे हैं, केवल फेसबुक व्हाट्सएप वाला फिजिकल नहीं, भी प्रैक्टिकल जो यहाँ पीछे आप चल रहा देख रहे हैं, तो ये सारे ही विद्यार्थी हमारे हैं जो फिजिकल कर रहे हैं। साथ में मैं आपको अर्जुन सर कोच से भी मिलाऊंगा और उनकी उपलब्धियां भी बताऊंगा कि और वो फिजिकल में क्या क्या करा सकते हैं, लेट फिजिकल करने के क्या नुकसान हैं, समय पर फिजिकल करने के क्या फायदे हैं और फिजिकल कितने टाइम करना चाहिए, चेस के बारे में जो भी आपके फिजिकल में कंडीशन है, लड़कियों को फिजिकल कैसे करना चाहिए, पूरा डिटेल से आपको अर्जुन सर से मैं मिलवाऊंगा। साथ ही मैं विद्यार्थियों से भी रूबरू करवाऊंगा, एक एक विद्यार्थी से भी पूछेंगे, अपन 30-40 विद्यार्थियों का चयन करके उनसे पूछना चाहेंगे कि वो फिजिकल कब से कर रहे हैं, कितने मिनट में उनसे हो रहा है, आए थे तब कितना समय लग रहा था, अब कितना समय लग रहा है, क्या उनको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। ये ग्राउंड है, देखिए यहाँ फिजिकल हो रहा है, रोज सुबह 6:30 बजते ही यहाँ फिजिकल प्रारंभ हो जाता है और 6:30 से 7:30 यहाँ फिजिकल चलता है। तो आप भी इस फिजिकल की तैयारी से जरूर जुड़े, भी ट्रेनिंग आपको पूरा कोच के सानिध्य में मेडिकल द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल भी चेकअप होगा आपके यहाँ पूरा, साथ ही साथ केवल पुलिस के लिए नहीं, यहाँ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पूरे साल भर का कोर्स के लिए भी यहाँ कोच साहब मौजूद है। तो पूरे साल का क्या कोर्स रहता है ना, 6 महीने का करना है क्या कोर्स, केवल मंथ में करना है तो क्या, केवल कांस्टेबल का ही फिजिकल करना है तो क्या है, तो सभी चीजों की फैसिलिटी उपलब्ध है। शायद जोधपुर में कोई नहीं करवा रहा फिजिकल की इतनी बढ़िया तैयारी। अभी आपको कोच सर से रूबरू करवाएंगे, प्लस आपको विद्यार्थियों से भी रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप दोस्तों पीछे देख रहे हैं, विद्यार्थीगण अब पूरे राउंड काटने के बाद अब शरीर को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसा कि आप विद्यार्थियों को देख रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये सब एक्सरसाइज जो है वो कोच सर के सानिध्य में हो रही है। तो कोच सर के सानिध्य में एक्सरसाइज हो रही है, विद्यार्थी कर रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं किस प्रकार की एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। जैसा कि ग्राउंड से आपको रिपोर्ट हो रही है, हमारे साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद है जो यहाँ रोज एक्सरसाइज करना आते हैं, ये भी हमारे विद्यार्थियों की काफी हद तक सहायता करते हैं और ये फिजिकल के बारे में काफी अच्छा अनुभव है। तो मैं सर से भी जानकारी लेते रहूंगा, कोच साहब से भी मिलाऊंगा आपको मैं, तो सर से भी जानकारी लेना चाहूंगा क्या फिजिकल में क्या करना चाहिए और कितने टाइम पहले शुरू करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है उस चीज का। तो सर से भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और सर आपको काफी चीजें आपको बताएंगे अच्छे से। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ रोज आते हैं, हमारे विद्यार्थी फिजिकल कर रहे हैं, तो क्या इनका फिजिकल एकदम सही चल रहा है, कितने टाइम पहले करना चाहिए इनको ये? सर मैं लगभग अर्जुन क्लासेज में, अर्जुन क्लासेज के द्वारा जो भी फिजिकल हो रहा है लगभग यहाँ 2 महीने से देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया लड़के हैं फिजिकल वगैरह कर रहे हैं, और जो कोच साहब वगैरह इनके हैं बहुत ही अच्छा वर्क करवा रहे हैं, उसके द्वारा बहुत ही अच्छा वर्कआउट है इनका। तो सर यहाँ बच्चे एंड टाइम पे पहले फिजिकल, जैसे माना उनका फिजिकल कॉल आया
और वो 5 दिन पहले ही फिजिकल शुरू करते हैं, तो क्या उनको ज्यादा फायदा है या पहले जो एक्सरसाइज करें इनको फायदा है? इंजरी हो सकती है जो अचानक करने से, क्या फायदा है सर? मैं आपको इसको बताऊंगा, लगभग आपको अगर आपको इसको स्टार्ट करना है कोई भी वर्क वगैरह, 6 से 7 वीक आपको इसमें लगते हैं, उसके द्वारा आप तैयारी कर सकते हो कॉम्पिटिशन की। और लड़के 4-5 दिन करते हैं और काफी यानी कि उल्टा सीधा वर्क करने पर उनके इंजरी वगैरह हो सकती है, उसका ज्यादा चांस है। जैसे सिंक पेन हो गया या आपके लेग पेन हो गया, इसकी समस्या हो सकती है। और इस मैं लड़कों से यही कहूँगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आपके कोच के अनुभव और उसके द्वारा फायदा लेके आप तैयारी करो, अच्छी आपका वर्क बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर भी अपना अमूल्य समय हमको देते हैं। सर भैया रोज एक्सरसाइज करने आते हैं तो हमारे विद्यार्थी सर, क्योंकि पुलिस विभाग से बहुत अच्छे ट्रेनर रहे, ट्रेनिंग करते हैं, बहुत वाले पुलिस फिजिकल वगैरह सब में सर का पूरा नॉलेज है, तो हम इनसे पूरा सहयोग लेने की कोशिश करते हैं। और ग्राउंड में हमारे कोच साहब है वो भी पूरी सहयोग करते हैं। तो अर्जुन क्लासेस फिजिकल के लिए बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, आप भी अर्जुन क्लासेस से जुड़िए फिजिकल के लिए। जैसा कि सर ने कहा है कम से कम 6 से 7 सप्ताह पहले आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, एंड टाइम पर करने से अलग अलग इंजरी हो सकती है। आप नॉर्मल सामान्य नौसिखियों से सीखोगे तो आपको कुछ अलग ज्ञान दे देंगे और आप कुछ उल्टा नुकसान कर बैठोगे, तो फिजिकल की तैयारी समझदार और अनुभवी कोच के द्वारा ही आपको करनी चाहिए। अभी मैं आपको विद्यार्थियों से भी रूबरू करवाऊंगा, साथ में कोच साहब से भी कुछ और पूछेंगे और विद्यार्थियों को उनका खुद का अनुभव पूछेंगे कि उनका अनुभव कैसा चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा था मैं आपको विद्यार्थियों से एक बार फिर से रूबरू करवाने वाला हूं। विद्यार्थी आपको बताएंगे अपने फिजिकल के बारे में, कितने टाइम से कर रहे हैं, कितने मिनट में दौड़ पूरी हो रही है उनकी, और फिजिकल से उनको क्या फायदा हुआ समय से पहले आने का, और साथ में वो अपने कुछ नंबर भी बताएंगे यदि कांस्टेबल की परीक्षा दी है तो, ताकि आपको कुछ मेरिट का भी आइडिया रह जाए कि कितने नंबर वाले भी फिजिकल कर सकते हैं। अधिक से अधिकतम वाले भी मौजूद हैं और कम से कम वाले भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी से पूछते हैं, ये अपना परिचय देंगे और साथ में कितने टाइम से फिजिकल कर रहे हैं। मेरा नाम कमलेश गहलोत है और मैं पिछले 1 महीने से फिजिकल कर रहा हूँ और मेरे में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और आगे भी होता रहेगा। परीक्षा में कितने नंबर आए हैं? परीक्षा में मेरे 38 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मैं लगभग 1 महीने से आ रहा हूँ। पहले मेरा एंडोरेंस 10 मिनट का, अब लगभग 40 मिनट तक कंटिन्यू दौड़ कर रहा हूँ और मैंने 12वीं से एग्जाम दिया है, 54 नंबर आ रहे हैं और अर्जुन क्लासेस का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया महेंद्र जी। मेरा नाम जितेंद्र समरिया है, मैंने अभी अर्जुन क्लासेस पहले मैं 30 मिनट में करता था दौड़, अभी 25 मिनट में पूरी हो रही है। चलिए, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है और मेरे 41 मार्क्स आ रहे हैं। 41 मार्क्स आ रहे हैं इनके, पहले 30 मिनट में करते थे, 25 मिनट में आगे और रेगुलर रहेंगे तो 25 से भी कम समय आएगा। 15 दिन हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, 15 दिन का इंप्रूवमेंट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरा नाम संपत राज है और मैंने पाली से फॉर्म भरा है और वहाँ से 43 नंबर आ रहे हैं और मैं 1.5 महीने से अर्जुन क्लासेज में ऑफलाइन में ये फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। मेरा नाम पर्वत सिंह पोपावास है, मैंने 12 और धौलपुर से फॉर्म भरा है, मेरे 52 और 56 नंबर आ रहे हैं। मैं पिछले 1.5 महीने से रनिंग कर रहा हूँ, मेरे रनिंग पहले 30 से 35 मिनट थी, आज 22 से 23 मिनट में रनिंग कर रहा हूँ, काफी इंप्रूवमेंट है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, देखो ये 30-35 मिनट होते थे, अब आज ये 22 मिनट पे पहुंचे हैं, उम्मीद है 20 मिनट में भी पूरी रनिंग कर लेंगे आप, बहुत बढ़िया। मेरा नाम किरण है, मेरा फॉर्म GRP अजमेर से भरा रखा है, मैं सीकर से हूँ, मैंने यहाँ से काफ़ी लॉन्ग टाइम से फिजिकल कर रही हूँ, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ आने के बाद, मतलब लग रहा है कि आई कैन डू इट। मतलब नंबर कितने आ रहे हैं? 45 नंबर आ रहे सर कॉन्स्टेबल एग्जाम में। बहुत बढ़िया, 45 नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही की तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आइए। मेरा नाम आशू चौधरी है, मैं भाई तो बाड़मेर से हूँ, मैंने फॉर्म राजसमंद पे लगा रखा है और मेरे 42 नंबर आ रहे हैं, मैं 1 मंथ से यहाँ आ रही हूँ रनिंग करने के लिए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। चलो बहुत बढ़िया, चलो आप आइए। मेरा नाम दिव्या चौहान है, मैं अर्जुन क्लासेस के फिजिकल ग्राउंड में 15 दिन हो गए हैं मुझे आते हुए और पहले मैं 30 मिनट भी रनिंग नहीं कर पाती थी, अब मैं 60 मिनट डेली दौड़ सकती हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा नाम पवनी चौधरी, मैं जोधपुर से हूँ, मैं अर्जुन क्लासेस के फिजिकल कर रही हूँ 1 मंथ से, मेरे पहले मैं 25 मिनट कंटिन्यूस दौड़ती थी, अब मैं 60 मिनट दौड़ रही हूँ। बहुत बढ़िया, पहले केवल 25 मिनट ही दौड़ पाती थी लेकिन अब इनका टाइमिंग बढ़ के 60 मिनट तक रनिंग कर लेती है और कांस्टेबल के उचित समय जो दे रखा है उससे पहले पहले ये टाइम में पूरा कर लेती है, बहुत बढ़िया। चलिए आप आइए। मेरा नाम त्रिलोक मीणा है, मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है और मेरे ST कैटेगरी से कोटा ग्रामीण से 53 नंबर आ रहे हैं और मैं कम से कम अब 1 घंटा दौड़ सकता हूँ, मेरे में बहुत इंप्रूव हुआ है, पहले मेरे थोड़ी बहुत इंजरी थी पर सर बहुत अच्छा फिजिकल करवा रहे हैं तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसा कि इन्होंने कहा पहले इनको इंजरी हुई, शुरुआत में आए थे तब इनको राउंड काटे तब इंजरी हुई, तब कोच साहब ने इनको सही गाइडेंस किया था, अब जाके परफेक्ट दौड़ पा रहे हैं। देखो इंजरी हर एक को हो जरूरी नहीं है, कुछ को होती है कुछ को नहीं होती है, होती है तो उचित कोच ही आपको उस इंजरी से बचाव का उपाय बता सकता है। चलिए आप बताइए। मेरा नाम अमिताभ सिंह है, मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करता हूँ,
पहले मैं टाइमिंग काफ़ी कम आता था, अब मेरा टाइमिंग 5:20 के आसपास आता है। बहुत बढ़िया, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ केवल कांस्टेबल का फिजिकल नहीं चल रहा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप जिसकी भी तैयारी करें सभी का फिजिकल आपको यहाँ करवाया जाएगा। और भी विद्यार्थियों से रूबरू करवाता हूँ मैं आपको। जी, मेरा नाम कुमेश भट्टी है, मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं पहले दौड़ नहीं पाता था, अभी 50 मिनट लगातार दौड़ सकता हूँ। कितने नंबर आ रहे हैं आपके परीक्षा में? 47 नंबर आ रहे हैं और ये रेगुलर दौड़ रहे हैं। पहले दौड़ ही नहीं पाते थे, अब इनको लग रहा है कि मैं भी कर सकता हूँ। तो यदि ये एंड टाइम पे शुरू करते और इनके 5 दिन बचते और फिर कहते कि मैं दौड़ सकता हूँ, दौड़ सकता, तब तक समय निकल जाता। तो ये उचित समय पर उचित गाइडेंस के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इनका बहुत फायदा होगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम वलीर सिंह है और मैं अर्जुन का ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट रहा हूँ। और मुझे आए 15-20 दिन हुए फिजिकल और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले मेरा टाइम 25-20 मिनट था, लेकिन अब घट के 22-23 मिनट में कर लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, तो ये 25-26 मिनट से 22 मिनट पे आ चुके हैं। और भी विद्यार्थियों से रूबरू करवाते हैं। मेरा नाम अशोक है, मैंने RHMS बटालियन से एग्जाम दिया है, 45 नंबर आ रहे हैं। पहले मैं गाँव में दौड़ता था तो सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ता था, अभी 5 किलोमीटर आराम से दौड़ता हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैंने कोटा ग्रामीण से फॉर्म भरा है और मेरे 45 नंबर आ रहे हैं। मैंने अर्जुन से 1 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है रनिंग में। बहुत बढ़िया। मेरा नाम सरदार सिंह है, मैंने कोटा ग्रामीण से फॉर्म भरा और मेरे को 58 नंबर आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से मैं तैयारी कर रहा हूँ दौड़ के और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कितने मिनट में कर लेते हैं आप पूरी दौड़? जैसे 25 मिनट में आपको दौड़ पूरी करनी है, आप कर पाएंगे 5 किलोमीटर? सर 20 मिनट में कर लेंगे। बिल्कुल 20 मिनट में कर लेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरा नाम तरुण गुज्जर है, मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पहले रनिंग अच्छी नहीं थी, अब मैं 40-50 मिनट में अच्छी कर लेता हूँ और मेरे 45 नंबर बन रहे हैं। बहुत बढ़िया। जय हिंद। मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है, मैं राजस्थान पुलिस की 2 जगह से एग्ज़ाम दिए हैं, एक कोटा ग्रामीण से और एक अजमेर GRPF से। इसमें 58, 59 नंबर आ रहे हैं और पहले घर पर जब फिजिकल की तैयारी कर रहे थे तब नहीं हो पा रही थी, इसलिए अर्जुन क्लासेस ज्वाइन करी, अब इंप्रूवमेंट है। बिल्कुल, आप 25 मिनट में दौड़ पूरी कर पाएंगे सर, आराम से। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेरा नाम यशपाल सिंह है, मैं इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की दोनों की तैयारी कर रहा हूँ साथ में। तो आप कितने टाइम से फिजिकल कर रहे हैं? 1 महीने से। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? बहुत हुआ है। बिल्कुल, शुभकामनाएं आपको। जैसा कि आप देख रहे थे दोस्तों, आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं वहां आपको बहुत परेशान करने करने वाले मैसेज आते हैं कि भाई 52 या 53 या 56 वालों का ही सिलेक्शन होगा, लेकिन यहां अपने विद्यार्थियों से रूबरू हुए हैं, काफी विद्यार्थियों के 45, 44, 42 इतने नंबर ही है। हार नहीं मानना, फिजिकल कर रहे हैं, फिजिकल नुकसान नहीं करेगा। देखो, मेरिट में नंबर आता है या नहीं आता है वो अलग बात है, आपको भ्रमित नहीं होना है। जैसा कि आपने सुना है कि कांस्टेबल की जो परीक्षा है उस पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। रोक का कारण आपको पता है, किसी ने विद्यार्थी ने रीट लगाई है कि कांस्टेबल की जो मेरिट है वो राज्य स्तर पर होनी चाहिए। तो जज साहब ने उस पर रीट लगा दी, वैसे इस रीट का कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा है कि कांस्टेबल की मेरिट जो है जिला स्तर पर रहेगी। अब दुर्भाग्य यह है कि रिजल्ट जो 12-13 तारीख जनवरी को आना था, अब 20 तारीख को इसकी सुनवाई है। तो कोई नहीं, आपको इन सब बातों से भ्रमित नहीं होना है, 20 जनवरी को सुनवाई होगी, 23-24 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, फिजिकल आपका तय समय पर फरवरी 1 वीक में ही फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो आप इस चीज को नोटिस रखें कि फरवरी में आपका फिजिकल शुरू होने वाला है, बिल्कुल घबराए नहीं और भ्रमित नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।